हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग द थर्ड चैप्टर ऑफ सप्लीमेंट्री ईश्वरन द स्टोरी टेलर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर सप्लीमेंट्री का, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि इस स्टोरी में टू कैरेक्टर्स हैं, ईश्वरन एंड महेंद्रन। जो महेंद्रा है वो एक सुपरवाइजर है और जो ईश्वरन है वो एक कुक है, और कुक के साथ साथ वो एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर भी है, कहानियां भी उसको सुनाता है। और वो उसको एज अ कुक ट्रीट नहीं करता महेंद्रा, बल्कि वो उसके साथ उसका बहुत ही अच्छा, एक तरह से वो मित्र है। तो आगे पढ़ते हैं। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। अब जो ईश्वरन है, हमने बताया था कि वो महेंद्रन का खाना बनाता है, उसको कहानियां सुनाता है, लेकिन अब ऑथर कहता है कि वो खाली स्टोरी टेलर ही नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक उसके अंदर क्षमता है खाना बनाने की और नई नई डिशेस बनाने की। सीमिंगली प्रत्यक्ष रूप से आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडिल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। और उसमें एक और गुण भी है कि उस सुनसान बेहड़ क्षेत्र में दूर दूर तक भी जहाँ कोई दुकान दिखाई नहीं देती, वो वहां पर इतना टेस्टी और बहुत ही कम समय में सारी चीजें तैयार कर देता है। He would miraculously, miraculous कहते हैं चमत्कारी ढंग से, conjure up कहते हैं उत्पन्न कर देता है। ऐसे बीहड़ सुनसान क्षेत्र में भी जहाँ कोई दुकान नहीं है, वहां भी बड़े चमत्कारी ढंग से वो चीजों को उत्पन्न कर देता है। एंड द मोस्ट डिलीशियस डिश इज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। यानी कि वो कह रहा है ऑथर कि वहां पर सुनसान बीहड़ क्षेत्र में कोई दूर दूर तक दुकान नहीं होती है सब्जी की, फिर भी वो एक घंटे के अंदर कहीं से भी सब्जी अरेंज करके चमत्कारिक ढंग से भोजन तैयार कर देता है। कहां पर? जहां वो रह रहे हैं, उस एक जिंक शीट का एक शेल्टर बना हुआ है जहां पर वो रहते हैं उसमें। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महिंद्रा बहुत जल्दी उठता है सुबह और उस नाश्ते के बाद अपने काम पर चला जाता है। कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विद हिम, और अपने साथ अपना लंच भी ले जाता है। मीनवाइल, इसी बीच ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और इसी टाइम में ईश्वरन क्या करता है, वो शेड को जहाँ वो रहते हैं उसको साफ करता है, सेट करता है। एंड मटरिंग अ प्रेयर ऑल एंड वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता है। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और बड़े फुर्सत से स्नान करता है। Pouring several buckets of water over his head, और जब बड़े आराम से स्नान करता है, कुछ बाल्टी पानी अपने सर पर उड़ेलता है। एंड मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और जितने टाइम नहाता रहता है उतने टाइम वो कोई मंत्र बोलता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तभी खाने का समय हो जाता है, लंच का टाइम हो जाता है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, खाने के बाद वो थोड़े समय के लिए पढ़ता है। बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ कहते हैं झपकी लेना, झपकी लेने से पहले यानी सोने से पहले वो थोड़ी देर फिर पढ़ता है। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड ऑफ पेजेस, और जो वो बुक पढ़ता है वो तमिल राइटर्स की होती हैं और तमिल की रोमांचकारी कहानियां होती हैं और लगभग उनमें 100 पेजेस होते हैं। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिशेज वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, और वो क्या कहता है, जो ईश्वरन है वो एक कल्पनाशील कहानियों को पढ़ता है, वर्णनों को पढ़ता है, नैरेटिव फ्लोरिशेस इन व्याख्यान को पढ़ता है। एंड वुड होल्ड ईश्वरन थ्रॉल, और इनको पढ़कर वो इनसे मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो आगे का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।